हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित और फोन हैक नए वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में मैं आपको जवाब देने वाला हूं आपके सवालों के जो आपने मुझे पूछे थे यूट्यूब कमेंट सेक्शन में और ट्विटर के ऊपर Honor 9 Lite स्मार्टफोन के बारे में। तो ये है वो फोन दोस्तों जिसको मैं एक्चुअली कुछ दिनों से यूज कर रहा हूँ, टेस्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैं आपके सवालों के जवाब देने वाला हूँ। सबसे पहला सवाल ये है कि डज द Honor 9 Lite हैव गायरोस्कोप सेंसर, और ये पूछ रहे हैं मंदीप। और भाई ऑब्वियस है कि इस फोन के अंदर गायरोस्कोप सेंसर है। पता नहीं आप इतने सीरियस हो के क्यों मुझे पूछ रहे हैं, काफी लोगों ने पूछा, बट देन पॉइंट ये है कि इसके अंदर सेंसर है। हालांकि मैं ये भी समझ सकता हूँ आप इसलिए पूछ रहे थे क्योंकि Honor 9i और Honor 7x के अंदर Honor ने गायरोस्कोप सेंसर नहीं दिया था। लेकिन रिसेंटली मैंने एक ट्वीट किया था जहाँ पर Honor की टीम ने बताया था कि वो अपने 7x फोन के अंदर गायरोस्कोप सेंसर को एनेबल कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वो अपडेट आया नहीं। अगर आपको आया तो आप मुझे ट्वीट करके बता दीजिए। लेकिन फिलहाल के लिए दोस्तों, अगर इस फोन की अगर हम जवाब दे रहे तो इसके अंदर आपको मिल जाता है गायरोस्कोप का सेंसर। अगला सवाल है अमीर हुसैन का, जो पूछते हैं विच इज बेटर, द Honor 7x और द Honor 9 Lite। अगर मेरा पर्सनल राय माना जाए तो दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप Honor 9 Lite खरीदें। इसके पीछे रीजनिंग ये है कि आप उस फोन के लिए 3,000-4,000 रुपये ज्यादा पे कर रहे हैं, हालांकि यहाँ पर आपको बेटर वैल्यू फॉर मनी मिल रहा है। ओवरऑल हार्डवेयर सब कुछ सेम है, इनफैक्ट एक बेटर फ्रंट कैमरा भी आपको इसके अंदर मिल रहा है। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में तो एक्चुअली ये बेटर रहेगा खरीदने के लिए, क्योंकि आप अगर कम इन्वेस्ट करते हैं और आपको बेटर वैल्यू फॉर मनी मिलता है तो आप कुछ महीनों के अंदर उसको स्विच कर सकते हैं कुछ और फोन के साथ। तो मतलब ओवरऑल आपको बेटर डील मिल रही है इस स्मार्टफोन के साथ। अगला सवाल है क्षितिज दोषी का, जो पूछते हैं रियर कैमरा इज जस्ट 13+2 मेगापिक्सल, डज इट क्लिक गुड पोर्ट्रेट एंड स्टफ, एम आई A1 हैज 12+12 मेगापिक्सल विच इज क्लिकिंग ऑसम फोटोज एट दैट बजट। क्षितिज, नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एम आई A1 एंड द Honor 9 Lite। अगेन बोथ आर डिफरेंट स्मार्टफोन्स, बट ओवरऑल इफ यू टेक अ लुक, इफ यू आर लुकिंग फॉर अ कंप्लीट कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन, then I would recommend you the Honor 9 Lite. Again, that's because if you're capturing a lot of selfies or you can portrait photos, then this can be a better choice, because it's not just the rear which matters, also the front which also matters, and again you get better depth or you can say bokeh photos. So if you compare Mi A1 directly in terms of rear camera, yes, the Mi A1 also is not bad. It also offers you better bokeh in terms of rear camera, but not in the front. So that way, it's a mixed approach. It all depends on what's your preference. If you're just capturing photos with the rear camera, then you might look for the Mi A1. If not, the Honor 9 Lite isn't a bad option. Akash Bansal, Amit bhai, is mein IR blaster hai kya? I have no smartphone, please help me. भाई इसके अंदर IR blaster नहीं है, एंड इसीलिए मुझे Xiaomi के फोन्स कभी कभी बेटर लगते हैं, क्योंकि वो एक छोटा सा सेंसर होता है। अगर वो IR blaster इस फोन के अंदर दिए जाए तो इसके साथ कुछ नहीं होता है, हम अपने घर के अप्लायंस को उससे कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, ज़्यादा लोग इसको यूज़ नहीं करते, लेकिन इसका ज़्यादा कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं होता है, तो मतलब अगर ब्रांड्स चाहे तो उसको आप दे सकते थे। इसके बाद इस आई हैव नो स्मार्टफोन प्लीज़ हेल्प मी, तो भाई डोंट वरी, हमारे पास अभी बहुत सारे गिव अवे चल रहे हैं। आप सारे वीडियोस में एक्टिव रहिए, सारे वीडियोस को शेयर कीजिए और आप जीत सकते हैं एक स्मार्टफोन कहीं भी। और इनफैक्ट इस स्मार्टफोन का भी हम गिव अवे कर रहे हैं, वीडियो के एंड तक आप देखिए और आपको पता चल जाएगा कि आप कैसे जीत सकते हैं। अगला सवाल है प्रणव रेड्डी का, और वो पूछते हैं इज इट वर्थ द प्राइस, व्हाई द नेम इज लाइट। काफ़ी सारे सवाल है, मैं एक एक करके जाता हूँ। इज इट वर्थ द प्राइस, यस डेफिनेटली इट्स वर्थ द प्राइस। Why is the name Light? I have no idea. That's Honor's decision. I personally feel they shouldn't have called it Light. They should have called it something better. Because this isn't a light phone actually, because this is actually beating a lot of other good smartphones. So this shouldn't have been called as Light. And the main game changer, how's the camera? Camera is pretty good. For the price, not that great. Like Xiaomi Mi A1, Xiaomi compared that with the iPhone 7 Plus. I wouldn't say that Honor can be compared with the iPhone 7 Plus, but then Honor isn't comparing and we are also not comparing. You're getting a good camera for the price you're paying. And while testing the camera, please talk about it comparison with different phones and to get a better and clear idea. So I'll be capturing a few photos with compared with the Xiaomi's Mi A1 and few other smartphones. I'll be sharing it on Twitter. Then you decide what's the best according to you. Amit Agarwal says, sir, this back is glass or metal? Amit, यहाँ पर आपको मिलता है ग्लास 2.5D ग्लास फ्रंट में और रेयर में। सो ओवरऑल आपको फ्रंट और बैक में जनरली कुछ डिफरेंस नहीं लगेगा, एक्सेप्ट कैमरा प्लेसमेंट और फिंगरप्रिंट स्कैनर, जिसके बाद आपको लगेगा कि भाई पीछे ये पीछे है और ये फ्रंट है। तो ओवरऑल ये इस तरह से आपको दिखता है फ़ोन। अगला सवाल है अली अहमद का, पूछते हैं 6X और द 9 Lite। 6X इज अ लास्ट ईयर स्मार्टफोन, आई वुड से एटलीस्ट फ्यू मंथ्स ओल्ड, तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा अली उस स्मार्टफोन को खरीदने का। हालांकि उस पर आपको बहुत ही बढ़िया ऑफर मिल रहा है। अगर आपका बजट बहुत ही लिमिटेड है तो आप देख सकते हैं 6X की तरफ। अगर मैंने मुझे याद है तो अभी रिसेंट सेल में वो करीब 6,000-7,000 के प्राइस में मिल रहा था। अगर आपको मिल रहा है उस प्राइस पे तो खरीद सकते हैं, वरना
अगर आप खरीद रहे हैं 10-12 हज़ार की प्राइस में, तो फिर तो 9 Lite इज एक्चुअली अ बेटर स्मार्टफोन। एंड लास्ट क्वेश्चन, डज द ऑनर 9 Lite सपोर्ट VR? यस अविनाश, इट डज सपोर्ट VR, हियर इज अ डेमो ऑफ द सेम। अकी सही नहीं, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अकी। 32 GB एंड 64 GB फोन में इतना प्राइस डिफरेंस क्यों है? भाई आप ये सवाल ना ऑनर टीम से भी पूछिए कि भाई इतना हैवी प्राइस डिफरेंस क्यों लगाते अपने स्मार्टफोन्स में। 11,000, 15,000, 12,000, 16,000, मतलब इतना 3-4 हज़ार का वाइड डिफरेंस क्यों लगाते हैं, मुझे समझ में कभी नहीं आया ऑनर के बारे में। क्योंकि इनका ना हमेशा से यही प्रॉब्लम रह चुकी है कि 32 GB का वो बहुत ही बढ़िया प्राइस देते हैं और 64 GB का बहुत ही ज़्यादा हाई प्राइस लगाते हैं, जिससे लोग वेट करते हैं कि अगर 64 खरीदना है। लेकिन ये भी हो सकता है उनके पास लिमिटेड स्टॉक्स हो सकते हैं, लेकिन पता नहीं यार, मतलब ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्राइसिंग इश्यू है इनका। अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है 32 GB से, तो आप खरीद सकते हैं उसको भी, और बढ़िया जो भी उनका ऑफरिंग है उसमें आप इसको ले सकते हैं। मिस कपूर, सिंस इट हैज़ ए ग्लास बॉडी, हाउ स्लिपरी इट इज? आई डोंट थिंक इट इज स्लिपरी एक्चुअली, यू कैन मेक ए सी हियर, इट्स आई एम एक्चुअली नॉट इवन होल्डिंग इट फ्रॉम द बैक, इट्स नॉट दैट स्लिपरी। येस इट डज, ऑब्वियसली व्हेन आई होल्ड इट वर्टिकली इट डज गेट स्लिपरी, बट इट्स नॉट दैट स्लिपरी व्हेन यू प्रेज्यूम इट्स लाइक अ ग्लास बॉडी एंड इट्स ईजी टू होल्ड। कंचन रानी आस्क, इज दिस हैविंग द फेस अनलॉक फीचर? नो, दिस डजंट हैव द फेस अनलॉक फीचर। अगेन, फेस अनलॉक इज गेटिंग मोर फैंसियर आफ्टर द आईफोन एक्स एंड द वन प्लस ब्रांड्स प्रमोशन, बट अगेन यू नो ऑन एंड्रॉयड यू ऑलरेडी हैड द फेस अनलॉक फ्रॉम मेनी 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 ईयर्स। यू कैन टेक अ लुक एट फ्यू ईयर्स बैक, यू एक्चुअली हैड द फेस अनलॉक। यस, इट वॉज नॉट दैट सिक्योर, इट वॉज नॉट दैट ईजी, इट वॉज नॉट वर्किंग इन लो लाइट कंडीशंस, बट देन that has been here and no one actually used that, but now it's getting mainstream attention, so I think down the line every brand will also be offering it in budget price segment. Shizen Mohammed says, really confused between the Honor 7X and the 9 Lite, which one should I buy if camera is not my priority? So if camera isn't your priority, then I think you should buy the 9 Lite. If it again comes to value for money, I generally focus more on that. I feel that if you are getting a good product at you know, decent pricing, then you should actually go for that option. So in that case, 9 Lite. R Pradeep says, saying quad or dual camera trend for industries, but they're not giving video stabilization also. Why Honor not giving 4K? Well, now let me get something straight. You're buying a phone at 11,000 rupees. You're not buying a phone at 30 or 40,000 rupees. In fact, for the sake of it, Samsung has launched the Galaxy A8 Plus last week. Show me at least a dozen videos out of the hundreds of videos which says that Samsung's phone didn't have 4K. No one has complained about it. मतलब लोगों ने 30-35 हज़ार का फोन का अनबॉक्सिंग कर दिया, किसी ने उसके बारे में प्रॉब्लम नहीं बताया, लोगों ने प्रॉब्लम नहीं बताया। लेकिन अगर बजट सेंट्रिक स्मार्टफोन जैसे Xiaomi हो गया या फिर Honor अपना फोन लेके आता है 10-15 हज़ार में, लोग बोलते हैं 4K क्यों नहीं दे रहा है। यार 4K से कोई मतलब नहीं होता है एक्चुअली, 4K की क्वालिटी कैसी वो भी इंपॉर्टेंट होती है। बट एनी वे, माई पॉइंट इज दैट डोंट एक्सपेक्ट मच एट दिस बजट प्राइसिंग। दिस Kirin chipsets are not much supported towards gaming. My friend had Honor 7X, it's not good performer for gaming. Well, now that's the question, so let me answer that in the form of a gaming review itself. So here I'm going to play 2 games which can give you an idea of the same. तो ये है गेमिंग डेमो दोस्तों Honor 9 Lite के ऊपर, और आप देख सकते हैं कि बहुत ही बढ़िया क्वालिटी आ रही है, यहाँ पर कोई इश्यूज नहीं दिख रहे हैं मुझे, कोई लैग्स नहीं लग रहे हैं, बहुत ही बढ़िया गेमिंग एक्सपीरियंस है। तो चलो अब हम स्विच करते हैं एक और गेम जिसका नाम है Asphalt Extreme, और देखते हैं इसकी क्वालिटी कैसे रहेगी इस फ़ोन के अंदर। तो चलिए करते हैं एक टेस्ट रन। बहुत ही कूल लग रहा है फ़ोन अभी तक के लिए, और आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑडियो क्वालिटी भी कैसा है। इनफैक्ट 18:9 एस्पेक्ट रेशियो के कारण मुझे बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस भी रहा है यहाँ पर। तो ये रहा एक और गेम, देखते हैं इसमें कैसा रहेगा हमारा एक्सपीरियंस। और यहाँ पर भी कोई इश्यूज नहीं है, बहुत ही बढ़िया तरीके से ये हैंडल कर पा रहा है इस गेम को। तो ये था एक गेमिंग डेमो इस फ़ोन के अंदर। अब हम वापस जाते हैं हमारे FAQ की तरफ, जहां पर आप लोगों ने जो भी मुझे सवाल पूछे हैं उसके मैं आपको जवाब देता हूं।
So that was my gaming review. Overall, a pretty good experience. And now, guys, about the giveaway. The simple giveaway is that, let me know on Twitter one important feature of the Honor 9 Lite and why do you think you would be interested to buy this smartphone at this price point. You just need to tweet this at Amit Bhavani and at the Red Phone Radar blog, and then also like this video, share this video, stay active to win all of the different giveaways which we have been running on this channel. That's it for now, guys. This was a quick FAQ, not a quick FAQ, I think it's almost like 9 minutes. So a detailed FAQ answering all your questions about the Honor 9 Lite and also a giveaway and also the gaming review. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और सब्सक्राइब रहिए फोन रेड के ऊपर कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए. मैं हूं अमित और मैं मिलता हूं आपको हमारे अगले वीडियो में. तब तक के लिए गुड बाय.